आज जब पूरी दुनिया के देशों में ज्यादा से ज्यादा बड़ी सेना है और खतरनाक हथियारों की होड़ लगी हुई है, ऐसे माहौल में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसे कई ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी खुद की सेना नहीं है और वे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। वेटिकन सिटी, मॉरिशस, पनामा जैसे 11 ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी सेना नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एस्पेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं इन 11 देशों के बारे में। नंबर 1, वेटिकन सिटी। दुनिया के इस सबसे छोटे देश की अपनी खुद की कोई अस्थायी सेना नहीं है। हालांकि यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के लिए एक जेंडर मेरी नाम की पुलिस वाहिनी रखी जाती है। यहाँ पर स्विस गार्ड होली सी की रक्षा के लिए तैयार रहती है, न कि वेटिकन सिटी राज्य की सुरक्षा के लिए। हालांकि इटली के साथ कोई औपचारिक रक्षा समझौता नहीं है, लेकिन फिर भी अनौपचारिक रूप से वेटिकन सिटी की सुरक्षा इतालवी सेना करती है। यहाँ पर तालू गार्ड और नोबल गार्ड की सेवाओं को 1970 में समाप्त कर दिया गया था। नंबर 2, मॉरिशस। ये बहु सांस्कृतिक देश 1968 से सेना के बिना चल रहा है। मॉरिशस एक और लोकप्रिय देश है जिसके पास कोई स्थानीय सेना नहीं है। हालांकि फिर भी इसके पास 10,000 व्यक्तियों की सेना है जो सक्रिय पुलिस, सभी सैन्य और अन्य सभी सुरक्षा कार्यों के लिए जिम्मेदार है। नंबर 3, पनामा। ये देश 1990 के बाद से किसी भी सेना के बिना चल रहा है। हालांकि इस देश के आंतरिक सुरक्षा और सीमा की समस्याओं के लिए एक सुरक्षा दस्ता रखा जाता है जिसे पनामा पब्लिक बल कहा जाता है। नंबर 4, मोनाको। इस देश के पास 17वीं सदी से ही कोई सेना नहीं है। इस छोटे से देश ने 17वीं सदी से ही सैन्य निवेश बंद कर लिया था। दिलचस्प बात यह है, इस देश के 2 छोटे सैन्य इकाइयां हैं जिनमें एक राजकुमार की रक्षा के लिए है और दूसरी नागरिकों की सुरक्षा के लिए। इस देश को किसी भी बाहरी आक्रमण के बचाव के लिए फ्रांस जिम्मेदार है। नंबर 5, कोस्टा रिका। इस देश के पास 1948 से अपनी सेना नहीं है। वर्ष 1948 में इस देश में गृह युद्ध छिड़ गया था। इसके बाद यहाँ पर सशस्त्र बलों को समाप्त कर दिया गया था। ये सशस्त्र बल नहीं रखने वाले बड़े देशों में से एक है। आंतरिक सुरक्षा पुलिस बल द्वारा की जाती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि निकारागुआ के साथ एक सीमा संघर्ष के बावजूद इस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है। नंबर 6, हैती। इसके पास 1995 के बाद से कोई सेना नहीं है। सन 1995 से पहले यहाँ पर सैन्य तख्तापलट बहुत आम थे। एक दर्जन से अधिक सैन्य तख्तापलट और आंतरिक संघर्षों की वजह से सरकार ने सेना न रखने का फैसला किया था, लेकिन विद्रोही एक सेना बल के गठन की मांग करते रहे हैं। नंबर 7, आइसलैंड। इस देश में 1869 के बाद से सेना नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश के पास सन 1869 से ही कोई सेना नहीं है। ये देश नाटो का सदस्य है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा करार किया हुआ है। नंबर 8, सेंट लूसिया। कई अन्य कैरिबियन देशों की तरह इस देश की भी अपनी सेना नहीं है। इसकी रक्षा तंत्र को क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि अधिकांश कैरिबियन देशों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए रॉयल सेंट लूसिया पुलिस बल जिम्मेदार है। नंबर 9, समोआ। इस देश के पास इसकी स्थापना के समय से ही कोई सैन्य बल नहीं है। हालांकि वहां एक पुलिस बल है, आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखता है। सन 1962 के रक्षा समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड इसकी सैन्य रक्षा के लिए जिम्मेदार है। नंबर 10, सोलोमन द्वीप। इसने 1976 में स्वशासन हासिल किया था। यह ब्रिटेन का गुलाम देश था। इसने भारी जाति संघर्ष 1998-2003 के बाद से सेना को रखना बंद कर दिया है। हालांकि शुरू में इसके पास अपनी सेना हुआ करती थी, लेकिन 2003 के जाति संघर्ष के बाद से सेना रखना बंद कर दिया गया था। अब यह अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल को रखता है। नंबर 11, पलाऊ। इस देश की स्थापना के बाद से ही इसके पास अस्थायी सेना नहीं है। यहाँ पर पुलिस रखने की अनुमति है। इसके साथ ही यहाँ पर 30 समुद्री निगरानी इकाइयां हैं जो कि मिलकर आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल एस्पेक्ट को